Hello student, in the previous class we studied about the bryophyte. In this class we studied the chapter reproduction in organism. और आप समझते हो organism क्या है? Living things, any living things को organism बोलते हैं. It may be plant, animal, bacteria. Now what is reproduction? Reproduction एक biological process है, a biological process in which an organism give rise to ones, offspring similar to itself. इसमें biological process है, organism जन्म देता है किसको? offspring को, अपने जैसे offspring को जन्म देगा, जो उसके जैसा होगा. offspring फिर grow करेगी, mature करेगी और वो टर्न हो जाएगी किसके अंदर? न्यू ऑर्गेनिज्म में, न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर. तो बेटा ये होता है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल असेक्सुअल टाइप के होते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा टॉपिक है द लाइफ स्पान. लाइफ स्पान द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ. यहां पर दो ही पॉइंट है, बर्थ टू नेचुरल डेथ. इन दो पर टिक करिए, बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर के उसकी नेचुरल डेथ तक का. लाइफ स्पान में भी शॉर्ट एज ए फ्यू डेज और एज ए लॉन्ग एज थाउजेंड ईयर्स. देखिए लाइफ स्पान कितनी छोटी हो सकती है? छोटी छोटी, कुछ दिन की, कुछ दिन की, कुछ घंटों की. और एज लॉन्ग एज थाउजेंड ईयर्स, हजारों साल भी लंबी हो सकती है. तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के सहारे देखेंगे कि किसकी लाइफ स्पान कितनी है. पॉइंट टू ही है बर्थ टू नेचुरल डेथ. नेचुरल डेथ इसमें आनी चाहिए. देखिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे. पहले जो एग्जांपल लेते हैं हम प्लांट का, तो लिखिए बेटा. और ये जो लाइफ स्पान का दूसरा करैक्टर है, दूसरा करैक्टर देखिए, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. शेप और जो साइज है और उनका, साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, शेप एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये उनके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है. सच एज फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द ट्री ऑफ पीपल ट्री एंड मैंगो ट्री. एंड मैंगो ट्री, एक तरफ आप पीपल ट्री लिखेंगे, एक तरफ मैंगो ट्री लिखेंगे. दोनों का शेप साइज लगभग बराबर है, बट द पीपल ट्री लाइफ स्पान इज, पीपल ट्री का लाइफ स्पान कितना बेटा? और इसका एक चीज और बॉटनी नेम याद और रखते हैं, इसका बॉटनी नेम होता है फाइकस रेलिगोसा. क्या नाम है? फाइकस रेलिगोसा. और इसका क्या होगा मैंगो ट्री का? मैंगो ट्री का होता है मैंगी फेरा इंडिका. मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका, ये हो गया इसका बॉटनिकल नेम. इसकी जो लाइफ स्पान है लगभग दोनों पेड़ बराबर होते हैं हाइट में, लंबाई में, चौड़ाई में, लेकिन इसका जो लाइफ स्पान है 15,000 ईयर्स देखो, और इसका है जो 300 ईयर्स या कह सकते 390 ईयर्स, ये इसका इतना है. तो बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर, बॉडी की शेप साइज सेम है, बट द लाइफ स्पान इज 15,000 ईयर्स किसका? फाइकस रेलिगोसा पीपल ट्री का. मैंगो ट्री मैंजी वेरिएंट का कितना है? 300 ईयर्स और 3900 ईयर्स. सेकंड एग्जांपल एनिमल से देखते हैं, द शेप एंड साइज ऑफ द क्रो एंड पैरट आर सेम. क्रो का और पैरट का, इधर मैं रखूंगा पैरट, इधर लिखूंगा मैं क्रो. क्रो पैरट का है जो 140 ईयर्स या 150 ईयर्स, 140 ईयर्स लिखा है एनसीईआरटी में, ये याद करिए. क्रो का क्या है बेटा? क्रो कॉर्वस स्प्लेंडेंस, क्या बोलते हैं इसको? कॉर्वस स्प्लेंडेंस. कॉर्वस स्प्लेंडेंस इसका क्या है? जूलॉजिकल नेम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस. इसका जो लाइफ स्पान, इट्स लाइफ स्पान इज 15 ईयर्स ओनली. बताइए 15 ईयर्स ओनली क्रो, और पैरट कितना है? 140 ईयर्स.
और इसका बॉटनी जूलॉजिकल नेम क्या होगा, पिस्टिकुला। क्या बोलते हैं पैरेट को, पिस्टिकुला, पिस्टिकुला इसका होता है, आप लिखेंगे पिस्टिकुला। थर्ड एग्जांपल आगे चलते हैं और इसके करेक्टर देखते हैं हम कुछ। दूसरा करेक्टर है, अगला मैं एग्जांपल लेता हूं, स्ट्रोबलेंथस कुंठियाना। देखिए बेटा सभी, स्ट्रोबलेंथस कुंठियाना, वन कॉमन नेम क्या है, नीला कुरंजी। नीला कुरंजी क्यों बोलते हैं इसको, नीला कुरंजी इसलिए बोला जाता है, इट गिव राइज टू ब्लू कलर फ्लावर, ये ब्लू कलर के रंग देता है, इसलिए इसे नीला कुरंजी बोलते हैं। तो लिखिए स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना, स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना। स्ट्रोबिलेंथस याद रखोगे चलेगा, कुंठियाना क्या है इसकी स्पीसीज है, कुंठियाना। कैसा है ये वर्ण, क्या बोलेंगे इसका कॉमन नेम, वर्ण मीन्स क्या होता है, वी आर वर्निकुलर नेम। वर्निकुलर नेम क्या होता है, लोकल नेम। लोकल नेम क्या है या कॉमन नेम क्या है इसका, ये है नीला कुरंजी, नीला कुरंजी। इसके अंदर हम देखते हैं नीला कुरंजी के अंदर ब्लू कलर के फ्लावर हैं, ब्लू कलर फ्लावर। इसकी लाइफ स्पैन देखते हैं हम कितनी होती है, इसमें जो फ्लावरिंग होती है आप